मैं बताऊं, अभी कुछ दिनों पहले मैं कश्मीर में था मनु भाई, कश्मीर में एक आदि शंकराचार्य टेम्पल है, जेठेश्वर महादेव वहां पे रहते हैं श्रीनगर में, ठीक है, वहां पे मैं गया, बिहार का व्यक्ति है, उस व्यक्ति के बारे में जो मैं बात कह रहा हूँ शायद आपको ना पता हो, वहां पे एक वाटर कूलर लगा था, उससे पहले शायद वहां पे वाटर कूलर नहीं था, लोगों को जो लोग आते जाते थे, और 240 सीढ़ियों की खड़ी चढ़ाई है वहां पे, वहां पे जो वाटर कूलर लगा है ना, वहां पे वो वाटर कूलर डोनेट किया है सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप सच तक ने, वो तो उसका अपना पैसा था, उसने यूट्यूब से कमाया था, अपनी मेहनत से कमाया था, लेकिन वो उस पैसे को भी डोनेट करता था। याचिका के बाद, अब याचिका में क्या हुआ कि याचिका में वो तो जेल के अंदर थे, तो जो उनके भाई थे जिनका जो मॉडर्न नेम है, मतलब कि जो आम बोलचाल में नाम बोला जाता है, वो करण कश्यप है, और चूंकि बिहार की जो ये सरकार है वो लोगों के असली नामों को दिखाकर एक पूरी की पूरी जाति को टारगेट करना चाहती है, तो हम भी आज उनका पूरा नाम लेते हैं, त्रिभुवन तिवारी। इन्होंने एक याचिका लगाई, और याचिका लगाई कोर्ट के अंदर, और कहा कि इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई हो, क्योंकि देखिए पुलिस और पत्रकार और स्टेट, इनके बीच में लगातार जो है वो द्वंद चलता रहता है। मनीष कश्यप के ऊपर ये कोई पहला केस नहीं है, उस व्यक्ति को उस केस की आदत है, लेकिन एनएससी रासुका, आपने किस पत्रकार के ऊपर सुना था कि रासुका लगी थी, आप मुझे बताइए किस पत्रकार के ऊपर रासुका लगी है, और वो भी इस चीज के लिए क्योंकि उसने बदहाली दिखा दी। और अब कोर्ट ने 8 हफ्ते के भीतर मदुरई के डीएम से और मतलब राज्यों के गृह सचिव और साथ ही साथ केंद्र सरकार से भी ये रिपोर्ट मांगी है कि हाँ भाई इनके ऊपर एनएसए क्यों लगाया गया, और अब क्या करना है कि 8 सप्ताह के भीतर ही इसका जवाब देना है, और सिर्फ जवाब नहीं देना है, संतोषजनक जवाब देना है, वो जवाब जिसे ये कोर्ट एक्सेप्ट करेगी, माननीय न्यायाधीश एक्सेप्ट करेंगे, और आप और हम ये सब लोग पहले दिन से जान रहे हैं कि इसमें एनएसए जैसा कुछ है नहीं। सरकार ने जो ये पूरा का पूरा, जिन लोगों ने ये पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा, वो सिर्फ और सिर्फ फ्री वॉइस को दबाने के लिए रचा। कोर्ट ने जब इस चीज के ऊपर स्वतः संज्ञान लिया है, बात की है इसके ऊपर, तो अब ये स्पष्ट है कि अब आपको जवाब देना पड़ेगा, अब आप इसको टाल नहीं सकते, आपको एक टाइम बाउंड दे दिया गया, 8 सप्ताह कोई छोटा समय नहीं है, लगभग 2 महीने का समय है, इसमें केंद्र, राज्यों के गृह सचिवों को, केंद्र को, सबको अपने जवाब देने हैं कि क्या एनएसए लगना चाहिए। तो क्या लग रहा है बिहार चुनाव से पहले मनीष कश्यप बाहर आ सकते हैं? बिल्कुल बाहर आएंगे, बिल्कुल बाहर आएंगे। देखिए आप इसको एक बड़ी जीत की तरह नहीं देखते कि जो व्यक्ति को मदुरई में एक तरीके से काला पानी थी, बिहार के व्यक्ति के लिए काला पानी है, बिहार का व्यक्ति वहां पर गया, उसको किसी की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही होगी, किसी की भाषा समझ में नहीं आ रही होगी, वो ये नहीं समझ पा रहा होगा कि उसका खान पान कैसा है, ये एक तरीके से मेंटल टॉर्चर हुआ, आप समझिए इस चीज को। एक व्यक्ति को मतलब कि हमने अभी, कल 15 अगस्त आने वाला है, और सब सारे फिल्मों पे ना, सारे टीवी पे एक फिल्म आएगी, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, एक क्रांति हुई थी याद होगा आपको, जेल के भीतर से भगत सिंह ने की थी, अच्छा खाना के लिए, अखबारों के लिए, साफ कपड़ों के लिए। हम ये मानते हैं कि जेल के अंदर भी जो कैदी है ना, उनके कुछ राइट्स होते हैं, उनको भी, उनके भी जीवन के कुछ ना कुछ अधिकार है, चाहे उसने कितना भी हीनियस क्राइम किया हो, चाहे उसने रेप किया हो, चाहे उसने मर्डर किए हो, चाहे वो आतंकवादी घटना में संलिप्त हो, कसाब को बिरयानी खिलाई है ना इस देश ने, अफजल गुरु को बिरयानी खिलाई है ना, लेकिन आप अपने पत्रकार के साथ इतना बुरा सलूक करते हैं। अब वो बिहार आए हैं तो ये राहत की सांस तो है ही, साथ ही साथ जब आप कोर्ट, माननीय न्यायाधीश ने, मदुरई कोर्ट ने जब ये बात कही है कि हाँ भाई मुझे जवाब चाहिए, आप बताइए कि आपने एनएसए किस ग्राउंड पे लगाया है, क्या इस एनएसए को कंटिन्यू करना है, तो अब जब जवाब देगी चाहे केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, तो उनके पास कुछ स्पेसिफिक चीजें होनी चाहिए, क्योंकि भाई अब एक बहुत लंबा समय हो गया है, उस दौर में तो आपने कह दिया कि दो राज्यों के बीच में एक हिंसक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी, क्योंकि आप कुछ भी कह सकते थे, आपको पकड़ना था, सिंपल सी बात है, मैं जो शुरुआत में आपको बात कही उसको समझिए, ये स्टेट वर्सेस जर्नलिस्ट के बीच का एक ऐसा केस बनेगा जिसे बाद में इतिहास की किताबों में, जर्नलिज्म की किताबों में जरूर पढ़ाया जाएगा, और पढ़ाया जाना चाहिए कि जब एक स्टेट किसी अधने से पत्रकार के पीछे लगता है तो उसकी क्या हालत करता है, वो ये हालत करता है, आप भी यूट्यूब चैनल चलाते हैं साहब, आप भी पैसे कमाते हैं, आपको भी पता है कि मनीष कश्यप की जितनी फैन फॉलोइंग है, मनीष कश्यप के जितने चैनल्स हैं, 48 लाख रुपए उसके अकाउंट में होना कोई बड़ी बात है क्या, 48 लाख रुपीज, लेकिन उस चीज को ऐसे दिखाया गया जैसे वो ब्राइबरी की हो, उस बंदे ने घूस ली हो, और ये लोग वो दिखा रहे थे जो चारा घोटाले में संलिप्त थे,
बिहार पुलिस की वो तेजी लोग याद रखेंगे। घोटाले वाले तो बाहर है जेल में, यही क्या वो, और वो जो सरकार में उनके लोग बैठे हुए हैं उनको 48 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम लगी, लेकिन हजारों करोड़ों का जो उन्होंने घोटाला किया, गमन किया, लैंड फॉर जॉब स्कैम में जो संलिप्त है वो क्या है, वो दूध के धुले हैं, वो लोकतंत्र के सिपाही हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो अपनी पत्रकारिता के माध्यम से पैसे कमा रहा था, और मैं बताऊं अभी कुछ दिनों पहले मैं कश्मीर में था मनु भाई, कश्मीर में एक आदि शंकराचार्य टेम्पल है, जेठेश्वर महादेव वहां पे रहते हैं श्रीनगर में, ठीक है, वहां पे मैं गया, बिहार का व्यक्ति है, उस व्यक्ति के बारे में जो मैं बात कह रहा हूं शायद आपको ना पता हो, वहां पे एक वाटर कूलर लगा था, उससे पहले शायद वहां पे वाटर कूलर नहीं था, लोगों को जो लोग आते जाते थे, और 240 सीढ़ियों की खड़ी चढ़ाई है वहां पे, वहां पे जो वाटर कूलर लगा है ना, वहां पे वो वाटर कूलर डोनेट किया है सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप सच तक ने। वो तो उसका अपना पैसा था, उसने यूट्यूब से कमाया था, अपनी मेहनत से कमाया था, लेकिन वो उस पैसे को भी डोनेट करता था। दरअसल प्रॉब्लम सिर्फ यही थी कि बिहार के अंदर एक व्यक्ति, एक नॉर्मल से परिवार से आने वाला व्यक्ति, बड़ी बड़ी सरकारों को, बड़े बड़े नेताओं को टक्कर दे रहा था। उसकी पॉपुलैरिटी बिहार के उन नेताओं से बहुत ऊंची हो जा रही थी जो खुद को लॉन्च करने की कोशिश में है। आमतौर पे हम राहुल गांधी का जिक्र करते हैं, लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स में भी एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने से काबिल व्यक्ति को बिहार के अंदर एंट्री नहीं देना चाहता। वरना जो कन्हैया कुमार, कन्हैया कुमार के साथ आपके जो भी राजनीतिक मतभेद हो, आपके जो भी वैचारिक मतभेद हो, आप उसे पसंद करते हो या ना पसंद करते हो, लेकिन मैं कहता हूं तराजू पे रखिए कन्हैया कुमार या तेजस्वी यादव, तो कन्हैया कुमार का पलड़ा भारी होगा ना, बेगूसराय से सांसद ही लड़े ना, बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं ना, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं ना, पूरा भारत जोड़ो यात्रा किया ना, वो व्यक्ति बिहार के ऊपर बोलता हुआ आपको नजर आता है? नहीं। क्यों? क्योंकि साहेब ने आदेश दिया है इसको बाहर रखो, क्योंकि बिहार के बच्चे को अगर मेरे बच्चे से ज्यादा काबिल कोई व्यक्ति मिल जाएगा तो वो तो उसका चुनाव कर लेगा, मेरे बच्चे का तो करियर खत्म हो जाएगा। तो एक बाप ने अपने बेटे की हुकूमत जमाने के लिए बिहार में ऑटोक्रेसी लाने की कोशिश की, तानाशाही लाने की कोशिश की, और ये उस व्यक्ति ने कोशिश की जिसका जन्म ही तानाशाही के खिलाफ हुए एक आंदोलन में हुआ था। इसलिए कहते हैं ना कि राजनीति का हमाम है, यहाँ सभी के सभी नंगे हैं, लेकिन ये देश जो है ना लोकशाही से चलता है, लोकतंत्र से चलता है, हमारी एक पवित्र संविधान की किताब से चलता है, और आप उस संविधान की किताब पे भरोसा रखिए। ये जो जुल्मी है ना वो अन्याय करते रहेंगे, ये लगातार बिहार की आवाज दबाते रहेंगे, ये बिहारियों को पलायन करने पे मजबूर करते रहेंगे। आप मुझे सोचिए, ये दिल्ली आने का सपना देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, इनकी वजह से पूरा बिहार जो है जनसाधारण जैसी ट्रेनों में दिल्ली आकर रोजगार करता है, नौकरी करता है। तो इनको समस्या ये थी कि ये रिवर्स माइग्रेशन ना करा दे। ये बिहार के अंदर डिजिटल पत्रकारिता का दौर कोविड के समय शुरू हुआ है, जब बिहारी पत्रकारों ने यह पूछा है कि मैं क्यों दिल्ली मरने जाऊं, मैं क्यों किसी और राज्य में काम करने जाऊं, मुझे मेरे राज्य में काम क्यों नहीं मिल सकता, तो इस आवाज को दबाना था। आप उसके बाद बिहार में कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, आपको याद होगा रामनवमी पे पथराव हुए, बम फटे, फटे कि नहीं फटे, एक महाशय ने कह दिया कि अपनी सुरक्षा के लिए घर में बम बनाए जा रहे थे, बेगूसराय के अंदर मर्डर हो जा रहे हैं, ये दलित पिछड़ों के तथा कथित नेता मसीहा पासवान साहब हैं एक दरभंगा के, उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके शव के साथ विधर्मी लोग जो है वो छेड़छाड़ करते हैं, शव को पीटते हैं, उनकी शव यात्रा नहीं निकलने देते, कहां है ये नेता? क्या ये खबर आप तक पहुंची? नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि जो खबर पहुंचाता था उसको डरा के डाल दिया। लेकिन अब क्या करेंगे आप, 8 सप्ताह है ना आपके पास, और 8 सप्ताह के भीतर इस तरीके से जोरदार स्वागत हुआ मनीष कश्यप का, आपने देखा जैसे वो स्टेशन से उतरते हैं लोग पहुंच गए, फूल उनके ऊपर बरसाए गए, हालांकि वो थोड़े भावुक भी नजर आए। तो क्या लगता है तेजस्वी यादव के मुंह पे कितना बड़ा तमाचा मारने? मेरे को मोनू भाई आप बताइए, आप भी बहुत दिनों से ये कार्य कर रहे हैं, हम भी बहुत दिनों से कार्य कर रहे हैं, एक पत्रकार मुझे बता दीजिए जिसके लिए ये इमोशन हो, सेल्फी सब खिंचवाना चाहते हैं, फोटो सब खिंचवाना चाहते हैं, मिलना सब चाहते हैं, लेकिन जिसके खिलाफ एक पूरे तंत्र ने कुप्रचार किया, उसके इमेज को खराब करने की कोशिश की, उसकी जाति को टारगेट किया, ताकि जो अन्य जाति के लोग हैं वो अगर उससे नफरत करना चाहते हैं तो उसकी जाति से नफरत कर ले, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। फूल जो बंदा सच्चा होता है ना, उसकी भावनाएं सामने आ जाती हैं, याद रखिएगा, उसकी भावनाएं उसकी आंसू से बाहर आ गए। आपको लगा कि उस व्यक्ति एक्टिंग कर रहा था? लगा क्या आपको एक बार भी? बड़े से बड़े बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट को बुला लीजिए, एक मिनट में किसी नेता की आंखें
रो देती है ना, तो वो समझ जाता है बंदा कि अरे ये एक्टिंग कर रहा है। आपको लगा वो प्रेम था, और इस चीज ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार की जनता को जागृत मनीष कश्यप जैसे पत्रकारों ने कर दिया है। और स्पष्ट है 8 सप्ताह और अभी भी समय है, सरकारें चाहें तो इस चीज को, इस रायते को समेट सकती है। और बेसिक सी बात यह है कि हम सरकार के खिलाफ नहीं है, हम सरकार के पूरक हैं, हम किसी भी सरकार के पूरक हैं। साहित्य, पत्रकारिता, सत्ता, ये सनातनी विरोधी है एक दूसरे की, लेकिन विचारों में हमारी सरकारों से दुश्मनी नहीं है। हम तमाम सरकारों से सवाल पूछेंगे। हमने हरियाणा में सवाल पूछा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि आपके रहते हुए इतना बड़ा दंगा कैसे हो गया। हमने तब ये नहीं देखा कि यहाँ भाजपा की सरकार है, यहाँ नहीं पूछना है। हमने मणिपुर में सरकार से सवाल पूछे कि आपके रहते हुए 2 महिलाओं को परेड कैसे करवा दी गई। हमने सवाल राजस्थान पे पूछा, हमने सवाल बंगाल पे पूछा, बंगाल की हिंसा पे पूछा कि होनी तो वोटों की गिनती थी, शवों की गिनती क्यों हो गई। और सबने अपने अपने राजनीतिक एजेंडे के हिसाब से हमारे क्लिप्स का इस्तेमाल किया। अब बिहार सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, बिहार सरकार को अपनी गलती माननी चाहिए। कोर्ट से न्याय मिलेगा, बिल्कुल न्याय मिलेगा, लेकिन अगर अपनी गलती का उन्हें पश्चाताप करना है तो अब एक ही मात्र तरीका है, और वो तरीका यह है कि नीतीश कुमार सामने आए और बताएं कि मेरा दिल कितना बड़ा है। नीतीश कुमार की बहुत आलोचनाएं हुई हैं, वो किसी आजकल के नौजवान नेता के झांसे में ना आए। नीतीश कुमार को नीतीश कुमार ने खुद बनाया है, नीतीश कुमार की लोकप्रियता ने बनाया है, उनके जन जन की जो उनके साथ जुड़ने वाली भावना है उसने बनाया है। और चंद दिनों की राजनीति के लिए नीतीश कुमार अपने मुंह पे ऐसा धब्बा लगा के ना जाए, अपने दामन पर कीचड़ उछलवा कर ना जाए। नीतीश कुमार सामने आए, मनीष स्टेट अपना केस वापस ले, मनीष कश्यप का स्वागत वो स्वयं करे, और पूरे देश में एक मैसेज दे कि जो जिंदा पत्रकार होगा, जो हुकूमत के खिलाफ जनता के लिए लड़ाई करेगा, उसका स्वागत बड़े से बड़े राजा करेंगे, बड़े से बड़े नायक करेंगे, बड़े से बड़े मुख्यमंत्री करेंगे, बड़े से बड़े प्रधानमंत्री करेंगे, चाहे वो आपके खिलाफ ही क्यों ना बोल रहा हो। तब नीतीश कुमार का मान सम्मान और बढ़ेगा। नीतीश जी से सिर्फ यही अपील है कि नीतीश जी, किसी और के बेटे की राजनीति चमके इसके लिए आप अपने दामन पे दाग ना लगने दें, आप अपनी जो सहिष्णुता है उसको सामने दिखाएं और मनीष कश्यप को स्वयं लेने के लिए जेल से जाएं, स्टेट इस केस को खुद वापस ले, ताकि भारत के इतिहास में इस केस का नाम फिर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए। हम जैसे पत्रकारों के अंदर हिम्मत आए कि अगर हम सत्य के साथ रहेंगे तो सरकारें भी हमारा साथ देंगी।